साला बोनी तो होने दे। अरे बोनी होंगी ना यार, बोनी कैसे नहीं होंगी फिर। भिंडी लेके भी है वापस लिया भिंडी, फिर और काका ने जो भिंडी वाला था उसने और भिंडी लाके दे दिया। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो ठीक ही होंगे। तो आज को ब्लॉग को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम अभी दोस्तों हम अभी खेत गए थे थोड़ा काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि हमारी जो धान की रोपाई है वो चालू है अभी, और आज और कल के दिन यानी 2 दिन है जो खेत में काम वगैरह। लेकिन दोस्तों हम अभी आ चुके हैं घर, क्योंकि अपने को जाना है बाज़ार। अपने गांव के पास में ही 2-3 किलोमीटर दूर बिरसी है एयरपोर्ट, बिरसी एयरपोर्ट करके वहां का मार्केट है आज। तो अपन जाएंगे, कल की जो सब्जियां थी हमारे पास जो बची वाली वाली सब्जी लेके जाएंगे दोस्तों। और अभी हो चुके हैं अपन तैयार और फटाफट अपना जो सामान था वो पैक करते हैं, यानी जो थैले वगैरह में पैक करते भरते हैं ना, उसके बाद दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। और अभी बज चुका है 2 बजे, यानी जल्दी ही तैयार हो चुके हैं अपन। लेकिन यहाँ से निकलेंगे करीबन 3 बजे तक निकलेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, खेत में दोस्तों बहुत सारे काम करके आए अभी हम, क्योंकि अभी आए और जस्टन आए हैं और तैयारी कर ली है ना दोस्तों। जो खेत में जो काम करना पड़ता है तो कपड़े वगैरह सब भर जाते, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो सीधा आए और नहाए और डायरेक्ट अपन मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अभी अपने को टाइम है बहुत, यानी 1 घंटा बाद निकलेंगे यहाँ से घर से। और आज के मौसम की बात करूँ तो दोस्तों इतना धूप निकल रहा है, इतना धूप निकल रहा है, और अभी 8-9 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आप देख ही सकते हो कितना मेरे को पसीना आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो चलते आज बाज़ार और आपको बताते हैं बाज़ार का नज़ारा कि क्या क्या। और अपना दोस्त भी आने वाला है, जो जो आपको वीडियो में आता है दोस्तों वाला, जो अपना दोस्त भी आने वाला है वहाँ पे बाज़ार में, तो वहीं पे उसके साथ चलेंगे और उसके साइड में ही बैठते हैं, तो मज़ा वगैरह हम लेते रहते हैं सब्जी में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको बाज़ार जाने की टाइम पर, यानी अभी तो टाइम तो होने की है, मिलते बाज़ार जाने की टाइम पर। ये बचा अपना आखिरी आइटम और अपने गाड़ी पे पैक करते हैं। देख सकते हो पूरा आइटम अपने गाड़ी पे पैक कर चुके हैं। टमाटर हो गया और मुंगना को यहीं पे बना देते सामने ऐसा अच्छे से रहने के लिए। तो आप देख सकते हो पूरा सामान पैक हो चुका है और अभी बच चुका है दोस्तों 3। निकलते हैं यहाँ से बाज़ार के लिए। और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है कि दोस्तों पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा धूप है। बाज़ार जाने का भी मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर के बाद चलेंगे, लेकिन बाज़ार चलते हैं अपन थोड़ी देर के बाद। सामान वगैरह तो पैक कर चुके हैं और ये अपनी गाड़ी, गाड़ी के साथ चलते हैं। तो हमने यहाँ पर टमाटर रख लिए, यहाँ पर बरबट्टी वगैरह और मूंगना और भाटा वगैरह है, और यहाँ पे है दोस्तों करेली नीचे वाले थैले में एक। तो दोस्तों चलते हैं बाजार के। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं बाजार की जगह पर और कुछ देख रहे हैं 50 रुपये में भी मुन्ना लाए भाई ने, यहाँ 5 किलो दे काटो 1000 रुपये दे के रेट ले जा। ₹1000 की क्या रेट दादा, उसको फाड़ रहा काई के लिए। तो देख ककड़ी दे रहे भाई, तो बोनी तो ककड़ी खा तो बोनी हम कर देंगे। देख ककड़ी से मंगा देना एक दे भूसेंगे साला, बोनी तो होने दे। अरे बोनी होंगी ना यार, बोनी कैसे नहीं होंगी, तेरी ककड़ी खाएंगे यार। व्यापार पे है ना अभी, वो बिरची को दिन आऊ गए बाजार, यहाँ पर ओ यहाँ पर आऊ गए काका। वो कौन व्यापारी? हाँ जी, पास माल लेता है वो। हाँ हाँ, भाऊ के साथ आ चुके हैं हम नाश्ता वगैरह करने के लिए। भाऊ आंदने का थोड़ी सी भिंडी, उसके बाद सीन ऐसा है कि हमने भिंडी वगैरह तो लगा रहे हैं और ये भाऊ ने भिंडी लेके भी है वापस लिया भिंडी, फिर और काका ने जो भिंडी वाला था उसने और भिंडी ला के दे दिया। तो भाऊ इसमें कुछ बोलना चाहोगे आप? वो भिंडी वाले पे जाके बात करते हैं। चल चल भाई।
तो भाऊ बोले भिंडी वाले के भाऊ यही भिंडी में हम तो फाल्ट है तोगा भिंडी में फाल्ट नहीं है, काका में फाल्ट क्योंकि बबलू भाऊ की तरफ ये बबलू और इसका सब्जी का रेट वगैरह पूछते हैं भाऊ। भाटा क्या बोला था भाऊ? 50 करेली 60 नहीं क्या बोलती इसको 80 कुंडरू नहीं परवल 80 नहीं टमाटर टमाटर 30 ये बबलू भाऊ ने रेट वगैरह बता चुके हैं हमको। चलते हैं अपनी दुकान की तरफ। फाइनली दोस्तों अपने लगा चुके दुकान और आज का रेट बता देता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। बेच रहे 10 रुपये किलो भिंडी, बेच रहे 40, ये है गलगला इसे बेच रहे 40, बरबट्टी बेच रहे 20 और गौरफली है 10 रुपये पाव, करेली 10 रुपये पाव, भाटा है 20 और मुंगना है आखिरी आइटम अपने पास 40 रुपये। ये रहा दोस्तों अपना आइटम। भाऊ ने दोस्तों भिंडी काका पास से लिया और उसको और चमका रहा है भिंडी वाले को दोस्तों वो भिंडी वाले को और चमका रहा है दोस्तों। जिसके पास से लिया उसके पास से भी भाव बेचूंगा बोले, 10 रुपये किलो बेच दूंगा बोले, 20 रुपये किलो। और काका ने क्या भाव दिया कि सोच के कि 24 रुपये भिंडी करके दिया भाऊ को ये, और ये भाऊ ना उसको और चमका रहा है कि 20 रुपये दूंगा, 30 रुपये दूंगा, 10 रुपये दूंगा करके। भाव दोस्तों देखो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में भरे हैं। भाव सकल लिखा अपनी थोड़ी सी इधर देखो, पापी है भाव, पापी है पूरा पापी है साला, इसकी भिंडी बेचने दूंगा आज मैं तो, देखना मत। देखो दोस्तों मैंने भी भिंडी लाया और मैंने दूसरे के पास से लेके लाया, लेकिन ये मेरे को बोल रहा है कि भिंडी बेचने दूंगा करके। आज देखते हैं इसकी पहले भिंडी बेचाती है कि मेरी पहले भिंडी बेचाती है। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद और चलते हैं 2-3 जो के पास रेट वगैरह पूछने के लिए, ये ककड़ी वगैरह का क्या रेट है। उन्हें भाऊ के पास आ चुके हैं और भाऊ के पास से रेट वगैरह पूछते हैं आज का रेट क्या चल रहा है। तो वो भट्टा का रेट क्या है आज का? 60 रुपये साइनिंग मार रहा है आज का भट्टा, लेकिन आपका और परवल क्या भाव लगा आज? 40 रुपये और ककड़ी 30 रुपये नमूना 60 रुपये लौकी 80 लौकी भाऊ की नहीं है, दूसरी की हो भाऊ की नहीं है। तो भाऊ आज क्या कितने का माल लाए तो आज? 1400 का माल लाया भाऊ ने आज। तो मिलते हैं अपनी दुकान की तरफ और हमने एक आखिरी दर ले खाने के लिए। तो दोस्तों अभी ग्रेक वगैरह तो नहीं आ रहे अपने पास इतना अच्छा माल है, पर भी देखो दोस्तों ग्रेक वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कब तक ग्रेक आते तो, और अभी बज चुका है 5-6 बज रहा है दोस्तों, पर भी अभी ग्रेक वगैरह नहीं आ रहे है। कुछ समझ नहीं आ रहा आज का मार्केट कैसा होगा, तो या माल मत बच जाए आज। और भाऊ के पास भी नहीं आ रहा गिरे को गिरे तो, और हमारे दोनों जो के पास भिंडी है आज बहुत सारी। तो देखते हैं कब तक अपना माल वगैरह बेच के होता है, तो आज तो बेचने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनली दोस्तों अपना माल पूरा बेच के हो चुका है और अपने पास क्या क्या बचा है तो मैं बता देता हूँ। अपने पास बचा है ये बचा है थोड़ा सा मुंगना है अपने पास और बरबट्टी है। बरबट्टी दुको जी न्या असद न्या धरा जी असद न्या फ्रीमती न्या फ्रीमती न्या आना जी सहमती देता धरा सहमती देता ना नहीं दिया ना जी अगली बार घूम टाकल मैं अगली बार काउंट टाकिन पैसे धरा 5 जरा इन भाई को दे दी हमने भी बरबट्टी, क्योंकि अब माल के पैसे वगैरह तो सब निकल चुके थे इसीलिए हमने इनको दे दी बरबट्टी। तो ठीक है दोस्तों जाते हैं अपन घर और घर जाके फिर आपको बता दे कि हमने आज धंधा कितने का किया है और ये सब बताते हैं। ठीक है दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर घर जाने के बाद। फाइनली दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं घर और आज मैं आपको बता तो अपना माल तो पूरा बेच के हो चुका था और आज हमने किए है 1000 रुपये का, यानी कल किए थे 1900 रुपये का और आज 1000 यानी 2900 रुपये। तो एवरेज मिला के दोस्तों पेट्रोल वगैरह का सब खर्चे मिला के दोस्तों हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जी हाँ दोस्तों 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 2 दिन मेहनत करने के बाद में 100 रुपये का, क्योंकि दोस्तों अभी आज जो हमने बेभाव बेच दिया यानी जो रेट आ रहा था वही रेट में बेच दिया है, क्योंकि दोस्तों वो धीरे धीरे करके ये हो रहा था ख़राब, तो इसीलिए हमने ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में नहीं किया, अपने जो रेट आया वही रेट से बेच दी। जी हाँ दोस्तों 100 रुपये में प्रॉफिट हुआ है पेट्रोल वगैरह का सब खर्चे निकाल के, 2900 रुपये और दोस्तों 200 रुपये हमने एक्स्ट्रा निकाले थे यानी 30 और 31 3000 का सामान लाए थे और 100 रुपये एक्स्ट्रा हमें पेट्रोल वगैरह के सब निकाल के दोस्तों 100 रुपये हमें आज मिला है।
तो अगर से हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों आपको जल्द ही। जय हिंद दोस्तों।